आइए आज हम बात करते हैं पीपीटी के बारे में कि पीपीटी को प्रेजेंटेशन में कैसे यूज करते हैं। तो पीपीटी को प्रेजेंटेशन बनाने के लिए या वीडियो बनाने के लिए आप मेरा वीडियो देखें। इसमें क्या करते हैं कि पहले हम एक अपने स्क्रीन पर राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करके माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को सेलेक्ट करते हैं, फिर उसमें न्यू स्लाइड ऐड करते हैं। क्लिक टू ऐड अ न्यू स्लाइड। न्यू स्लाइड ऐड करते ही आपको बहुत सारे फंक्शन इनेबल दिखेंगे। आप अपने पावर पॉइंट पे कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा है माय नेम इज संदीप, आई एम ए स्टूडेंट। ये टेक्स्ट लिखने के बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है, यू कैन चेंज योर डिज़ाइन। डिज़ाइन चेंज करने के लिए डिज़ाइन पे क्लिक करें और उसमें बहुत सारे ऑप्शन आएंगे जिसे आप डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। ये मेरा डिज़ाइन है, मैंने जिसको सेलेक्ट किया है, आप भी अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको उसमें इफ़ेक्ट ऐड करना है। इफ़ेक्ट ऐड करने के लिए आप एनिमेशन पे क्लिक कीजिए, जैसा कि मैंने सर्किल किया हुआ है। एनिमेशन पे क्लिक करने के बाद आप ऐड इफेक्ट पे क्लिक करेंगे। ऐड इफेक्ट पे बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, वो ऑप्शन कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा एक एग्जांपल देखिए, मैंने एक इफेक्ट ऐड किया है जो कि आपको दिखाई देगा। अभी आप उसमें अपने पीपीटी में इमेज ऐड करना चाहते हैं तो इमेज ऐड करने का भी ऑप्शन होता है, जैसा कि मैंने सर्किल में दिखाया हुआ है। ये टूल आप यूज कर सकते हैं जिससे आप पीपीटी को वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस पे डाउनलोड करें, यहाँ पे रिकॉर्डिंग पे जाके क्लिक करें। रिकॉर्डिंग पे क्लिक करते ही वो आपका टूल रिकॉर्ड करना स्टार्ट करेगा। आप जो भी ऑडियो में ऑडियो अपने माइक से बोल रहे हैं वो उसमें रिकॉर्ड होने लगेगा। इसमें माइक्रोफोन का भी एक ऑप्शन है। अगर कोई चीज़ और आप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, मैं आपको नया पीपीटी बनाऊंगा। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, शेयर भी करें। थैंक यू।